नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज। वक्त हो चला है दिल्ली की बड़ी खबरों का। रुक करते हैं पहली खबर की ओर। हरियाणा में शनिवार को 90 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। इसी कड़ी में साइबर सिटी की 4 सीटों पर भी मतदाता अपने वोट से उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। जिले के 252 क्रिटिकल बूथ पर खास ख्याल रखा जाएगा। वोटर्स की आबादी को देखते हुए बूथ नजदीकी बनाए गए हैं। हर बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। आपको बताते चलें कि जिले में सुबह 9 बजे तक लगभग 6.1% मतदान हुआ है और फरीदाबाद में सुबह 9 बजे तक लगभग 4.6% वोटिंग रही। वहीं दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्य के चुनाव को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एलजी ऑफिस को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी ऑफिस से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। दिल्ली की मेयर शैली ओबराय ने चुनाव की प्रक्रिया में एलजी के दखल सवाल उठाते हुए इसे असंवैधानिक और डीएमसी एक्ट का उल्लंघन बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एलजी ऑफिस को नोटिस जारी करते हुए इस मामले में एलजी की दखल पर आपत्ति जताई है। वहीं दिल्ली मेट्रो ने येलो लाइन पर रविवार के लिए मेट्रो परिचालन के समय में बदलाव किया है। इसके लिए डीएमआरसी ने एक एडवाइजरी जारी की है। येलो लाइन पर विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर रख रखाव कार्य करने के लिए ट्रेन सेवाओं को 6 अक्टूबर रविवार की सुबह 6:40 बजे तक विनियमित किया जाएगा। वहीं जर्मनी मूल की फुटवेयर कंपनी वॉन प्लेक्स चीन में अपना प्लांट बंद कर यमुना एक्सप्रेस वे किनारे के नई यूनिट शुरू करने जा रही है। यीडा सिटी के सेक्टर 29 में अपनी कंपनी 300 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। शुक्रवार को वॉन ब्लैक्स कंपनी के नए प्लांट का भूमि पूजन जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह और यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुवीर सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इधर नवरात्र में एक बार फिर कुट्टू के आटे से लोगों की सेहत बिगड़ गई है। नंदग्राम में कुट्टू की पूड़ी और पकौड़े खाने से 40 लोग बीमार पड़ गए। हालत गंभीर होने पर एक ही परिवार के 8 लोगों समेत 17 को भर्ती कराना पड़ा। 10 मरीज वहां रोग विभाग में पहुंचे। खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में पता चला कि सभी की बीमारी होने की वजह एक ही है, चक्की से खरीदा गया कुट्टू का आटा है। सहायक खाद्य आयुक्त डॉक्टर अरविंद ने बताया कि जनता से अपील की जा रही है कि कुट्टू से बने पकवान खाने से बचें। सिंघाड़े का आटा और मखाने से बने पकवानों को ठंडे पेय पदार्थ जैसे छाछ दही के साथ सेवन करें और पर्याप्त मात्रा में पानी भी पिएं। खाद्य कारोबारी पुराने स्टॉक की बिक्री ना करें। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज़।